स्ट्रक्चर देखो हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आज, हाँ आज तो मान ही लीजिए आज हम खत्म करके ही जाएंगे एटॉमिक को, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले तो मुझे बता दो यार, हमारा डिस्कशन कहाँ कहाँ तक हो गया, क्या क्या हो गया एक बार मुझे बता दो। एक्सरसाइज वन में कौन से सेक्शन तक हो गया? कोई बताओ यार जिसको आइडिया हो। एक्सरसाइज वन में कौन से सेक्शन तक डिस्कशन हो चुका है? देखो जहां तक मेरे को लगता है, मुझे लगता शायद है ई तक हुआ। हाँ सेक्शन ई तक हो गया है ना, एक्सरसाइज वन में सेक्शन ई तक हो गया है, ठीक है। और सेक्शन एच भी हो गया डिस्कस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला पार्ट। हाँ सर। सेक्शन ई तक हो चुका है और सेक्शन एच हो गया है, ठीक है। ये मेरा हो गया एक्सरसाइज वन में ये पूरा। एक्सरसाइज टू में अगर हम लोग आए तो एक्सरसाइज टू में ये है पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। तो देखो एक्सरसाइज टू के अंदर हम लोग आए। अच्छा एक्सरसाइज वन का पार्ट थ्री डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर, कुछ कुछ नहीं हुआ है, बाकी है। ठीक है। हाँ आई थिंक पूरा ही नहीं हुआ है, कुछ कुछ का नहीं, मुझे लगता है पूरा ही नहीं हुआ है। तो कोई नहीं, एक्सरसाइज थ्री पार्ट थ्री नहीं हुआ है ना। एक्सरसाइज टू पार्ट वन में कहाँ तक डिस्कस हो गया? एक्सरसाइज टू पार्ट वन क्वेश्चन नंबर 1 2, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 21 तक हो 24, गया होगा, 21 तक हो गया। 20। हाँ सर। हाँ एक्सरसाइज टू पार्ट टू में मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 8, 10, हेलो सर। हाँ सर, अब बीच में इश्यू आ गया था इसलिए वॉइस आना बंद हो गया। थोड़ी देर में स्क्रीन दिखना भी बंद हो जाएगा, देन वापस स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। चलो ठीक है। जितना मैंने अभी बोला एक्सरसाइज टू पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, उतना तो हमारा डिस्कस हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, एक सेकेंड रुको यार, मेरा दोनों नेम अलग अलग आ रहे हैं, एक बार मर्ज हो जाए देन आगे का एक बार मैं होमवर्क दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? नेक्स्ट क्लास कब है मेरी? संडे क्लास था वो इस वीक में यार, दो ही क्लास कैसे हुआ है? क्या इस वीक में हमारा दो ही क्लास था? हाँ सर, ओके ठीक है। तो देखो पहले मैं होमवर्क देता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तब हम लोग नेक्स्ट वीक ही डिस्कस करेंगे ना, नेक्स्ट वीक ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज वन सेक्शन एफ एंड सेक्शन जी, एक तो ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का एक्सरसाइज वन से। एक एक्सरसाइज वन पार्ट थ्री कंप्लीट, ये मैं बताऊंगा कब डिस्कस करना है, वो मैं तुम्हें ग्रुप पे मैसेज करके बता दूंगा कि मुझे कब डिस्कस करना है। एक्सरसाइज टू पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 31 तक, पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक, पार्ट फोर नहीं, पार्ट थ्री में क्वेश्चन नंबर 13 से करना होगा ना, क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, एंड पार्ट फोर में नेक्स्ट दो कॉम्प्रिहेंशन ना, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 17 तक। ये मेरा डिस्कशन रहेगा नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास मतलब कब?
नेक्स्ट वीक का लास्ट लेक्चर हम लोग कब डिस्कस करेंगे? सैटरडे नेक्स्ट वीक का लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट वीक का सैटरडे जरूरी थोड़ी है, नेक्स्ट वीक का लास्ट लेक्चर सैटरडे में ही, वो तो कभी भी हो सकता है ना, बट नेक्स्ट वीक के लास्ट। हाँ बोलो सर। पार्ट फोर का 7, 8, 9 हो चुका है। 7, 8, 9 हो चुका है। ओके 7, 8, 9 हो चुका है, वो देखने दो। ओके ओके हो गया, ठीक है 7, 8, 9 पार्ट फोर का हो चुका है। तो देन 10 से कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10 to 17। ये मेरा होमवर्क है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो तुम्हें करना है क्या लास्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीक का जब भी लास्ट लेक्चर होगा वहां डिस्कस करेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ना, काफी देर हो गई है। देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। उसके लिए दो रूल्स मैंने बताए थे, एक तो बताया था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, और उन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट स्पिन के साथ ही फिल करना है, सेम स्पिन के साथ फिल नहीं करना। फिर हमने पढ़ा था हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंट्स ने क्या बोला, उसने बोला कि जो ऑर्बिटल होते हैं उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो सेम स्पिन के साथ, जब कंप्लीट फिल हो जाए देन उसके बाद ही अपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग स्टार्ट करनी है। इतना समझ आता है? बोलो। यस सर। थर्ड रूल है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए, टोटल 3 रूल होते हैं ना, तो थर्ड रूल है ऑफ बॉल्स प्रिंसिपल। नाम सुना है कभी इसका? नहीं, नो सर। नहीं सुना, ठीक है। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अब्बो ने क्या बोला, अब्बो ने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल in increasing order of their energy। मतलब इसका मतलब है filling of electrons starts with low एनर्जी लेवल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो पहले लो एनर्जी लेवल में फिल होगा, मतलब लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल होगा, उसके बाद ही हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल होगा। ये इसका मतलब है, पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल करना है, उसके बाद ही हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में इसको हम लोग फिल करेंगे। तो अब एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे, हमें एनर्जी का तो पता नहीं है ना, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो एनर्जी डिसाइड करते हैं हम लोग किससे, n प्लस l रूल से। ये हमें एनर्जी के बारे में बताता है। तो क्या बोलता है ये रूल, ये रूल बोलता है द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ various subshell in atom can be predicted by n plus l value। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल इन एटम कैन बी प्रिडिक्टेड बाय एन प्लस एल वैल्यू। तो एन प्लस एल की वैल्यू से हम लोग हमारे एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द सबशेल विथ लोअर वैल्यू, द सबशेल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n plus l has lower energy and it should be
it should be filled first. तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमेशा अबर रूल के अकॉर्डिंग उसी सबशेल या उसी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे जिसकी एनर्जी कम हो। तो कम एनर्जी वाले से स्टार्ट करते हैं, देन ज्यादा एनर्जी वालों में जाते हैं। अब एनर्जी कैसे निकालेंगे, एन प्लस एल की वैल्यू से। जिसका एन प्लस एल का वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसका एन प्लस एल का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। तो हम बोलते हैं देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने पहले बोला, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया किसका, 3s एंड 3p। इसमें एनर्जी बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी 3s एंड 3p में? 3p। क्यों? n plus l वैल्यू ज्यादा है। 3p का n plus l वैल्यू ज्यादा है, मतलब अगर n plus l वैल्यू हम लोग देखें भी तो 3s के लिए n का वैल्यू 3 और एल का वैल्यू जीरो, एस के लिए एल का वैल्यू जीरो होता है ना, तो एन प्लस एल का वैल्यू आ गया 3। 3p के लिए एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 1, क्योंकि p के लिए एल का वैल्यू 1 होता है, तो एन प्लस एल का वैल्यू आ गया 4। जिसका एन प्लस एल का वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लें, जैसे मान लो हमने बोला 3d या फिर 4s, इन दोनों में एनर्जी की बात कर रहे हैं, 3d एंड 4s, तो बताओ की ज्यादा है एनर्जी किसका ज्यादा होगा, 3d का। अगेन डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, n प्लस l का वैल्यू। 3d के लिए n का वैल्यू 3, l का वैल्यू कितना, 2। d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, ऐसे ही 4s के लिए n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0। तो n प्लस l का वैल्यू यहाँ तो आ गया 5, यहाँ आ गया 4, तो किसका वैल्यू ज्यादा है, 3d का, तो उसकी एनर्जी ज्यादा। तो पहले किसको फिल करेंगे, 4s, 4s को। यस, मैं बोलूंगा 4s विल बी फिल्ड बिफोर 3d, 3d से पहले मेरा 4s फिल होगा, समझ गए। बट क्या हमेशा n प्लस l से डिसाइड करेंगे, नहीं, कभी कभी हमारे पास ऐसा केस भी आ जाता है जब n प्लस l का वैल्यू सेम हो जाए, तो हम बोल with lower value of n has lower energy and it should be filled first and should be filled first। क्या मतलब हुआ इसका जो मैंने लिखा सर, मतलब अगर दोनों का n plus l value सेम होगा तो फिर जिसका n का वैल्यू कम होगा वो पहले फिल होगा, मतलब जिसका n का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। मैं लेता हूँ वापस अगेन, मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक तो हमारे पास 3d है, एक मेरे पास है 4p। अब कोई बोले n प्लस l का वैल्यू पहले तो निकाल के तो देखो क्या सेम आती है या नहीं आती है, तो बोले ठीक है भाई निकालो। तो 3d के लिए n प्लस l का वैल्यू 3 प्लस 2 5, 4p के लिए 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो क्या दोनों के लिए एल प्लस एल का वैल्यू सेम है? यस सर, यस सर। तो अब हम क्या करें, अब हम सिर्फ एन का वैल्यू देखेंगे, एन का वैल्यू इसके लिए है 3, इसके लिए है 4, तो किसका एनर्जी ज्यादा है, 4p का। जिसका एन ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका एन कम उसका एनर्जी कम। चलिए अब है ना एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं एनर्जी के लिए। वैसे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए काम तो नहीं आएगा, बट फिर भी वो हमें पता होना चाहिए। तो हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज,
सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस एक्सेट्रा. फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एनर्जी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एन. एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी? एन पर. मतलब हम बोलेंगे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. एन का वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए मैं बोल रहा हूं बस, है ना. मैंने बोला मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूं. कोई मुझे बोले 3s और 3d इसमें एनर्जी बताओ किसका ज्यादा होगा, तो किसका एनर्जी ज्यादा बोलोगे? 3d बोलो. 3s और 3d में किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 3d. अरे मूर्खों, दोनों का एनर्जी सेम होगा ना. हमने बोला अभी सिर्फ n पे डिपेंड करेगा. n ज्यादा एनर्जी ज्यादा, n कम एनर्जी कम, n सेम एनर्जी सेम. बट सर मान लो मैंने तुमसे पूछा बट क्या बोलो बोलो. अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किया था ना ऊपर, s की वैल्यू 0 थी और d की वैल्यू 2. अरे तो कल को तो मैं कुछ भी बोलूंगा, जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका यूज करो ना. सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए अभी तो बोला है, क्या करते हो तुम? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी तो एनर्जी एन पे डिपेंड करेगी और किसी से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी. हमने तो फार्मूला भी पढ़ा है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए. एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, पढ़ा है ना फार्मूला. तो जेड तो हाइड्रोजन के लिए सेम हो गया तो एन पे ही तो डिपेंड करेगा एनर्जी. बोलो. लेकिन दोनों की एन प्लस एल वैल्यू तो अलग अलग है ना. अरे तो बट सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं ना. अलग अलग होने से क्या होता है? ओके सर. अब जैसे मैं मान लो तुमसे बोलूं 4s और 3d, किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 4s और 3d में किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 4s. 4s. 4s का ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि उसका n का वैल्यू ज्यादा है. बट मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में 3d का ज्यादा होता है. बट सिंगल इलेक्ट्रॉनिक में याद रखना हमेशा कि हमेशा मेरा जो ऑर्डर होता है वो n पर डिपेंड करेगा एनर्जी का. ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ठीक है चलिए अब ऑर्बिटल का एक एनर्जी ऑर्डर मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना. तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, एनर्जी ऑर्डर के बारे में. ये ऑर्डर एनसीईआरटी में भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया होता है, मैं यहाँ पर भी इसी तरह से तुम्हें बता देता हूँ. तो देखो कैसे बताता हूँ मैं. उसके लिए पहले मैं कुछ सर्कल मार्क कर देता हूँ ना, छोटे छोटे ऐसा. अब मैं इनमें नेम लिख देता हूँ, है ना, हमारे ऑर्बिटल्स के क्या क्या नेम है. 1s, 2s, 3s, 4s, 5s. ये याद रखने का एक तरीका है कि हम एनर्जी ऑर्डर को कैसे याद रखें. तो उसके लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ ताकि तुम्हें भी वैसे ही याद रहे. वैसे तो अपने आप याद हो जाता है जैसे जैसे तुम केमिस्ट्री आगे पढ़ते जाओगे 11th में या फिर बाद में 12th में, तो अपने आप वो याद हो जाएगा. बट फिर भी अभी के लिए कैसे याद रखें उसका एक तरीका है. बड़ा मुश्किल तो नहीं है बट थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं हम लोग. एनसीईआरटी में भी ऐसा ही लिखा होता है, मैं भी तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ. मैंने देखो सारे ऑर्बिटल्स लिख दिए, 7f तक ही लिखा है. 1s, 2s, 3s, s वाले एक लाइन में, p वाले एक लाइन में, d वाले एक लाइन में, f वाले एक लाइन में. अब एनर्जी का ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है उसके लिए हम लोग, है ना, ऐसे बात करते हैं. हम लोग बोलते हैं कि यहां से स्टार्ट करो, यहां से. ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है. अब ध्यान से देखो, अब यहां से स्टार्ट करना है, फिर ऐसे आए. ठीक है, अरे यार थोड़ा सा गलत आ गया.
तभी तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ट्रिक है इसमें, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे आए, फिर यहां से आए, फिर इधर घूम के गए, फिर इधर गए, फिर यहां पर आए, फिर यहां पर आए, फिर इधर आए, फिर इधर घूम के यहाँ गए, फिर ऐसा, फिर वापस यहां से आए, फिर इधर घूम के आए, फिर यहाँ गए, फिर ऐसा, फिर इधर आए, फिर इधर घूम के आए, फिर यहाँ गए, फिर ये एरो एरो वाली डायरेक्शन में ही हमें चलना है ना, फिर ऐसे मतलब आए, जैसे आगे बढ़ेगा एरो वैसे एनर्जी बढ़ेगी। हाँ ऐसा। अभी देखो मैं लिख के भी बताऊंगा, अभी मैं लिखूंगा इनको एक जगह पर तो तुम्हें और ज्यादा समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अभी एरो का डायरेक्शन बना दे रहा हूँ, जैसे जैसे एरो वाली डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे तो एनर्जी बढ़ता जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। मतलब ये एरो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर इधर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे। एरो की डायरेक्शन में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, हमारा एनर्जी बढ़ता ही जा रहा है बस। और वैसे तो सिंपल है, एन प्लस एल रूल से निकाल सकते हैं हम लोग। तो ऐसे देखो, ऐसे मेरा एनर्जी बढ़ता ही जा रहा है। अब इसको हम लोग एक ऑर्डर में लिखें तो देखो, एक ऑर्डर में कैसे लिखूंगा। सबसे कम एनर्जी किसका था? 1s का, 1s से स्टार्ट किया ना। बोलो। यस सर। सबसे कम एनर्जी 1s का था, 1s से स्टार्ट किया। 1s से ज्यादा किसका एनर्जी आया इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग? 2s। 2s, 2s के बाद कौन आया ऊपर देख के बताओ? 2p। 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, then 5s, 5s, then 4d, 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 then 5p, then 6s, ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा, है ना? समझ गए ना कि कैसा ऑर्डर है? इतना समझ आ गया? बोलो। yes, समझ आ रहा है क्या? अब देखो, क्या मुझे सारे ऑर्डर याद रखने, क्या मुझे एग्जैक्ट याद होना चाहिए पूरा? नहीं, इतना तो याद नहीं होना चाहिए, बट जितना मेरे काम आ रहा है ना वो मैं उतना तुम्हें बता देता हूँ। देखो इतना एटलीस्ट हमें याद होना चाहिए, कहाँ तक? यहां तक, यहां तक मान के चलो, इतना तो तुम्हें याद होना ही चाहिए 3D तक, 3D तक हमें याद होना चाहिए। तो यहां तक मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, 3D तक तो याद होना ही चाहिए डायरेक्टली। मतलब ऐसा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 3d तक तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, उसके बाद तो हम n plus l रूल से निकाल देंगे। अब हमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का मैं तरीका बता देता हूँ, है ना? तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना ही तो सीख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा? 1s, 1s में। तो सबसे पहले 1s में फिल होगा, और कितना फिल हो सकता है 1s में इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2, तो 1s 2, ऐसे लिखेंगे 1s 2। फिर किसमें फिल होगा? 2s, 2s में। तो 2s में कितना हो सकता है फिल? 2, 2, तो 2s 2। फिर किसमें होगा फिल? 2p, 2p में। 2p में मैक्सिमम कितना फिल हो सकता है? 6, 6। फिर किसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा? 3s, 3s। तो 3s में मैक्सिमम कितना फिल हो सकता है? 2, 2, 2। फिर किसमें फिल होगा? 3p, 6, देन 4s में 2, 2, देन 3d में कितना फिल होगा? 10, 10, 10, देन 4p में 6। तो ऐसे है ना, ऐसे ही चलता ही जाएगा ना। अब कहां पर हमें रोकना है ये डिपेंड करेगा कि हमारे एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, दो तीन एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा क्या करना है। एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे फर्स्ट, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए हमारे एटम का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है। अगर हमें हमारे एटम का एटॉमिक नंबर पता है तो देन हमारे लिए इजी हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो हीलियम का लिखना है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 2. तो एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स. जितना एटॉमिक नंबर होता है एक्चुअल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सिर्फ 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, हो गया मेरा काम खत्म. समझे? बोलो. यस सर. जैसे नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10. तो 10 इलेक्ट्रॉन देखो फिल करो. 1. चलिए सीरीज देख ले एक बार जल्दी से सभी लोग, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सभी. यस सर, डन. चलिए करो. हो गया सर. हो गया. चलो अच्छी बात है, हो गया. तो अब मुझे एक एक करके बोलते जाओ. ऑर्गन के लिए बोलो सर. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ओके. ऑर्गन के लिए आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने और कोई डाउट है ऑर्गन के कॉन्फ़िगरेशन में कि ऐसा ही क्या हो गया, ऐसा ही क्यों फिल करा है, वैसा क्यों नहीं फिल? चलिए क्रिप्टन में बोलो. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d10, 4s सॉरी 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. ठीक है. कार्बन में बोलिए. 1s2, 2s2, 2s2, 2p2. ऐसा होगा 1s2, 2s2, 2p2. हाँ सर. ऑक्सीजन में 1s2, 2s2, 2p4.
ठीक है, क्लोरीन 17, क्लोरीन में बोलिए 1s2 2s2 2b6 3s2 3p5 ऐसा ही होगा। हाँ सर। अब इसको लिखने का देखो एक और तरीका है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है नियॉन 3s2 3p5, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में। देखो यहां से यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा है या नहीं? यस सर। यस सर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p5, ऐसा भी लिख सकते हैं। स्कैंडियम के लिए बोलो सर आर्गन 3d1। अच्छा वो तो लिख ही सकते हैं, आर्गन 3d1 भी नहीं होगा, वो भी रॉन्ग बोला है। सर आर्गन 4s2 3d1। यस अब करेक्ट है, ऐसा होगा मेरा। अब देखो यहां से यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के जैसा है, तो हम लोग चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो जनरली ऐसा लिखते नहीं है आर्गन नियॉन ये सब चीजें, बट कभी कभी बुक्स में या फिर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, तो उसको देखकर तुम ऐसे मतलब बहुत शॉक्ड ना हो जाओ कि अरे भाई ये क्या लिख दे, तो मुझे कभी समझ नहीं आ रहा, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे ही आयरन के लिए लिखूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर्गन 4s2 3d6। बोलिए। यस सर। यस सर। सेम फॉर जिंक बताइए। आर्गन 4s2 3d10। यस 4s2 3d10। किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई संदेह, कोई समस्या? नहीं सर। नो सर। सर पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे और इसमें क्या डिफरेंस है? क्या पहले क्या करते थे सर? पहले लिखते थे ना ऐसा 2 8 8 18 18 32 ऐसा। अरे वो कुछ नहीं है, मतलब अलग अलग तरीके होता है ना लिखने के, लाइक जैसे नंबर को कुछ लोग 1 लिख देते हैं, कुछ लोग रोमन में 1 लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे 1 लिख देते हैं। अब कोई बोले क्या डिफरेंस है, अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, कभी हम ऐसा लिख रहे हैं कभी वैसा लिख रहे हैं, तो कैसे भी लिख लो डिफरेंस कुछ नहीं है, वो लिखने का तरीका है। कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा लिखना बताया, कुछ ने वैसा लिखना बताया, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। समझ गए? ओके सर। चलिए हम नोट डाल के लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। क्या है नोट का फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और नहीं एंड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड orbitals make the atom more stable। मतलब अगर मेरे orbitals कुछ ऐसे हो दिखने में, p6 मतलब fully filled, p3 मतलब half filled, d10 मतलब fully filled, d5 मतलब half filled, F14 मतलब फुली फील्ड, F7 मतलब हाफ फील्ड। तो जब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल हमें मिलते हैं, तो हम बोलते हैं एटम को थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी मिली है। तो देखो जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, हमेशा वैसे नहीं होते, कुछ कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास होते हैं। एक्सेप्शन तो होगा, अब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट we have some exceptional electronic configuration। कुछ exceptional electronic configuration भी हमारे पास होते हैं, वैसे actual में होते तो बहुत सारे हैं, मतलब अगर काउंट करूंगे तो 10-12 exceptional electronic configuration है, तो सारे हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कुछ हम लोग periodic table में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक दो के बारे में बात कर रहा हूँ, एक तो क्रोमियम के बारे में बात करूंगा और एक कॉपर के बारे में बात करूंगा, ये दो एक्सेप्शनल के बारे में अभी बात कर ली। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे तो क्या बोलोगे तुम, 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ऐसा ही बोलोगे? बताओ. यस सर. हाँ सर. बट ऐसा नहीं होता है. ये होता है ऐसा 1s2, 2s2, 2p6. हर चीज रूल से नहीं चलेगी, कुछ चीजें एक्सेप्शन भी होगी. ये 4s1, 3d5 हो जाता है. ये ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये ऐसा है. क्यों हुआ ऐसा? होने के लिए. हाँ, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया ताकि d को स्टेबिलिटी मिले. हाफ फील्ड हो गया, स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा आ गई, तो हम बोलेंगे स्टेबल होने के लिए ऐसा करा है. समझ मतलब s भी तो स्टेबल हुआ ना फिर. नहीं नहीं, हम लोग s में इतना ज्यादा नहीं बोलते, इसलिए देखो ऊपर मैंने एग्जांपल में s लिखा ही नहीं, मैंने सिर्फ p d और f लिखे हैं बस. ठीक है. ओके सर. कॉपर में हम लोग बात करें तो कॉपर होना कैसा चाहिए था? कॉपर होना तो चाहिए था कुछ ऐसा. ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, तो कैसा होगा बताओ. बोलो बोलो, अब तो आइडिया लगा होगा कुछ तो. में बस यहां पर चेंजेस हुआ है. तो दो मैंने दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिखवाए हैं, क्रोमियम एंड कॉपर. क्या दो ही होते हैं? नहीं, होते तो और भी है, बट उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो नोट का पहला पॉइंट ये था. दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज इन आयनाइजेशन ऑलवेज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड. अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, बीच में से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकालूंगा. बाहर वाले से ही क्यों निकाल रहे हैं? बोलो, बाहर वाले से ही क्यों निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन? इजी रहेगा उसको स्टेबल करने के लिए. सर उसमें एनर्जी कम लगेगी. वो इजी रहेगा क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता है, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है, तो उसको निकालना सबसे इजी रहता है. तो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखना. इन आयनाइजेशन ऑलवेज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड. जैसे मान लीजिए सोडियम का कॉन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम प्लस वन बना है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? एक 3s1. 3s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये बना क्या? अब सोडियम प्लस वन ऐसा हो गया है, 3s में जीरो हो गया इलेक्ट्रॉन. समझे मेरी बात को या नहीं समझे? समझा सर. दूसरा एग्जांपल तुम्हें खुद को करना है. Fe है, Fe से चलिए Fe2 प्लस और Fe3 प्लस जल्दी से बना दूं. सर Fe2 प्लस क्रोमियम के जैसे बन रहा है, मुझे तो नहीं पता किसके जैसा बन रहा है. तुमने बस इलेक्ट्रॉन निकालना है, बस दिमाग नहीं लगाना क्रोमियम जैसा बन रहा है या फिर किसके जैसा मिल रहा है. कॉन्फ़िगरेशन बताओ इलेक्ट्रॉन निकाल के.
सर बताऊ? बता बता सर, Fe2 प्लस का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। रॉन्ग है, मैं लिखता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d6। मैंने क्या बोला? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में है। तो बाहर वाली शेल कौन सी होती है, 3d या 4s? 4s 4s होती है ना। एनर्जी एनर्जी भले ही 3d की ज्यादा हो उससे हमें मतलब नहीं है, एनर्जी भले ही 3d की ज्यादा हो बट आउटर मोस्ट कैल होती है 4s। तो 4s से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब Fe3 प्लस में देखो तीन इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4s तो पूरा खाली हो गया। अब इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे, एक और बच गया ना इलेक्ट्रॉन, 3p से 3d 3d से। अब 3d से निकलेगा तो 4s तो जीरो हो गया, दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन और बचा तो 3d से निकलेगा तो 3d5। ठीक है, अगर जब शेल सेम होता है कि 3s 3p 3d सेम शेल के एकदम एनर्जी से देखते हैं, जिसका एनर्जी ज्यादा उससे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट 4s खुद ही आउटर मोस्ट शेल में तो पहले 4s से निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात या नहीं आई? समझा सर। चलिए समझ गए तो इसी बात पर एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर पता लगाना है। सेकंड हमें पता लगाना है टोटल स्पिन, देन हमें पता लगाना है मैग्नेटिक मोमेंट। किस किस के लिए पता लगाना है? फर्स्ट पता लगाओ बोरोन के लिए, सेकंड पता लगाओ नाइट्रोजन के लिए, थर्ड पता लगाओ सल्फर के लिए। बोरोन 5 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, सल्फर 16 होता है। चलो भाई करो बताओ। हुआ क्या? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है मेरा?
हाँ सर हुआ। करूँ मैं स्टार्ट? चलिए बात ही इजी क्वेश्चन था, मतलब इजी तो नहीं है बट हाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं बोरोन की। अब देखो 1s में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फील्ड है, 2s में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फील्ड है। हम लोग आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो 2p की बात करें तो 2p में इतने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वही अनपेयर्ड है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो। वन। ठीक है, टोटल स्पिन कितना है? टोटल स्पिन देखो वो होता है प्लस माइनस एन बाई टू, ऐसा मैंने बताया था, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है मेरा एन, तो प्लस माइनस एन बाई टू। तो टोटल स्पिन या तो प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका स्पिन प्लस हाफ भी हो सकता है माइनस हाफ भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। लास्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, यस, रूट एन एन प्लस टू, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अंडर रूट वन इंटू वन प्लस टू, तो यहां से आएगा रूट में थ्री, और उसका यूनिट होगा बोर मैग्नेटॉन, बीएम। चलिए तो पहला वाला क्लियर है सभी को? और एक बार दिखाओ ना पहला वाला। ओके सर, ओके सर, ओके ओके, ठीक है। चलिए सेवन नाइट्रोजन के लिए बोलेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p3, ऐसा होगा। तो देखो 1s 2s में तो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, आउटर मोस्ट में बात करें तो 2p3 है, p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, 1 1 1, ऐसे में फिल कर दूंगा। तो थ्री, टोटल स्पिन कितना हुआ? प्लस माइनस 3/2। प्लस माइनस 3/2, ओके। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट का साइन होता है म्यू, कितना होगा? अंडर रूट में 3 × 3 + 2, मतलब रूट 15 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर है? बोलो। यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सल्फर की, जिसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया। अब लास्ट में 3p4 है, उसको मैं फिल करता हूं, तो 3p4 कैसा फिल होगा? 1 2 3 4, ऐसा फिल होगा, है ना, ये 3p4 मैंने फिल किया। अब इसमें कोई मुझे ये बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। टोटल स्पिन प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2/2, मतलब प्लस माइनस 1। चलिए म्यू कितना होगा? म्यू रूट 6, 2 2 प्लस 2, मतलब रूट 8 बोर मैग्नेटॉन। समझ गए? बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 32 एंड ऑल्सो राइट
फोर क्वांटम नंबर ऑल्सो राइट द फोर क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, उस लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू मुझे बताना है. करो सर, वो आपने एंड के बाद का क्या लिखा है? एंड ऑल्सो. नहीं नहीं सर, मतलब अरे इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ लैंग्वेज. वैसे मुझे भी बड़ी अजीब लैंग्वेज लग रही है. एंड ऑल्सो राइट वैल्यूज ऑफ all four quantum number for the last electron field. अभी सही है? Yes, समझा. एक क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, एक और क्वेश्चन भी लिख देता हूँ नीचे. हाँ, जब तक तुम ये क्वेश्चन करो तब तक ये दोनों क्वेश्चन करो है ना, दो क्वेश्चन दिए मैंने, दोनों करके बताओ.
सर इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होएगा क्या? हाँ एटॉमिक, देखो इसके बाद एटॉमिक एक संडे को एक श्रोडिंजर इक्वेशन और है, हाँ वो और कर लो फिर खत्म है एटॉमिक। संडे वाली क्लास में जो मेरा लेक्चर मिस हो गया था ना मंडे को, जो मैं संडे को लूंगा उसमें एक श्रोडिंजर वेव इक्वेशन और बचाना बाकी है, फिर एटॉमिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो संडे की क्लास की टाइमिंग क्या होगी? यार टाइमिंग देखता हूँ यार, मॉर्निंग में ही रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, मॉर्निंग में रखते हैं, मॉर्निंग में रख ले 8 to 2, जब तक श्रोडिंगर खत्म नहीं होगा तब तक पढ़ेंगे। हाँ सर चलेगा। देखते हैं बाकी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हें जो भी टाइम रहेगा वो, है ना। हो गया क्या ये? तो पहले वाले में बताओ, पहले तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सही बोला है, 3s2 3p6 4s2 3d10 होगा, देन 4p2 होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? 4p में आया है ना। अब इसके लिए N, L, M और S का वैल्यू बोलना है हमें ना, तो बताओ N का वैल्यू क्या होगा? 32 4। N का वैल्यू कितना होगा? 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4p में आया ना, तो N का वैल्यू 4, L का वैल्यू 3, L का वैल्यू 1 होगा क्योंकि P के लिए L का वैल्यू 1 होता है। अरे 4P में है तो P के लिए L का वैल्यू 1 होता है ना, 3 कहां से आ गया? M का वैल्यू बोलो। -1 0 1 -1 0 एंड +1, कुछ भी पॉसिबल है। M का वैल्यू हम लोग एकदम सर्टेन वैल्यू नहीं बता सकते कि मेरा M का वैल्यू क्या होगा। S का वैल्यू बोलो। +-2 ±½, हम लोग एस का वैल्यू भी नहीं बता सकते कि +½ होगा या -½ होगा। तो ये मेरे एन एल और एम और एस के वैल्यू आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ और डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। एस का वैल्यू कैसे आया वो नहीं समझा। अरे तो एस का वैल्यू या तो +½ हो सकता है या -½ हो सकता है, तो मैंने तुम्हें बताया ना, फिर फिक्स नहीं होता कि इसको +½ बोलना है या फिर इसको +½ बोलना है, इसको -½ बोलना है या इसको -½ बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलो। 1s2 2s2 2p6 4s2 3d3। ठीक है, तो देखो KLMN, K का मतलब होता है N equal to 1 shell, L का मतलब होता है N equal to 2 shell, N का M का मतलब होता है N equal to 3 shell, L का मतलब होता है N equal to 4 shell। ये तो तुम्हें पता ही है। अब देखो फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, 2k का मतलब फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल मतलब 1s2। ये सिर्फ इतना सा मेरा k है। 8l का मतलब सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2s2 और 2p6, ये पूरा सेकंड शेल है, मतलब ये l हो गया मेरा, ये 2k हो गया, ये 8l हो गया। थर्ड शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3s में 2, 3p में 6, बच गए कितने 3, तो 3d में 3। ये थर्ड शेल था, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे। फोर्थ शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4s2 तक ही वो भरेगा, तो ये 2n हो गया। समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। बोलो भाई। लेकिन ये तो लाइन वाइज नहीं हुआ ना फिर? अरे लाइन वाइज नहीं हुआ तो क्या हुआ, जैसा हमने पुराने तुम छोटी क्लासेस में तुमने यही तो पढ़ा है 2 8 8, इस तरह से ही तो पढ़ा है 2k 8l, तो मैंने उसी फॉर्मेट में लिखना तुम्हें बताया है बस।
लाइन वाइज नहीं हुआ तो कुछ नहीं, 4s2 को पहले लिख लो, 3d3 को बाद में लिख लो, पर थोड़ा ज्यादा समझ आए इसलिए मैंने तुम्हें एक साथ लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन पर मैं स्टार मार्क किया है क्यों, इस तरह के क्वेश्चन जेई एडवांस या जेई मेंस में पूछे जाते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो थोड़े से मतलब बहुत लल्लू टाइप के क्वेश्चन थे, फर्जी भी बोल सकता हूँ जिनको मैं, या फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग या इजी टाइप के क्वेश्चन। जनरली ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं जेई मेंस या एडवांस में, थोड़े आजकल कॉम्पिटिशन टफ हो गया है तो थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो तुम्हें मैं बताता हूँ। जैसे पहले मैं तुम्हें करने के लिए देता हूँ, देखते हैं तुमसे होता है या नहीं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव एन प्लस एल इज इक्वल टू 3 इन कैल्शियम एटम, 20 कैल्शियम एटम। बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव एन प्लस एल इक्वल टू 3 इन 20 कैल्शियम एटम। सर बोलो। 8 हाँ सर, 8 यस, आंसर तो करेक्ट है। मुझे एक्सप्लेन भी करो कि हुआ कैसे, मतलब करना क्या है। 2p6 और 3s2 यस करेक्ट। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में ये तो काफी इजी टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप के पूछते हैं उसमें मैंने तुमसे थोड़ा इजी पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन करने कैसे हैं, देखो सबसे पहले तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, जो कि हमें पता है, हमें लिखना भी आता है, हम सीख ही गए हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, n प्लस l का वैल्यू 3 लाना है। तो 3 कैसे कैसे आ सकता है, n का वैल्यू 0 रख दो, n का वैल्यू 3 रख दो, l का वैल्यू 0 रख दो, तो भी 3 आ जाएगा। मतलब ये कौन सा 3 है, 3s वाला है, बोलो। हाँ सर, क्योंकि l का वैल्यू 0 लिया है। अब n का वैल्यू 2 रख दो, l का वैल्यू 1 रख दो, तो भी 3 आएगा। तो ये कौन सा है, 2p वाला है। यस सर। एक और केस, n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 2, तो भी 3 हो जाएगा। तो ये कौन है, ये 1d है। क्या 1d कभी होता है? नो सर, नहीं, ये तो कभी नहीं होता, हमने पाप कर दिया है, ऐसा नहीं बनाना है। अब बताओ 3s में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें? 2। और 2p में 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 8 आ गए। समझे मेरी कहानी, हमें कैसे करना है, बोलो। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देता हूं, है ना, वो मुझे करके बताओ। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव L प्लस M इज इक्वल टू 1 इन सोडियम एटम। ये बताओ करके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव L प्लस M इक्वल टू 1 इन सोडियम एटम।
सर सर टू सही है। देखो करना कैसे है, देखो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, थोड़े लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन है। लॉजिकल मतलब थोड़ा हमें सोचना ज्यादा पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। कॉन्सेप्ट तो जो हमने सीखा है कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला बस वही है। सोडियम क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1 आई थिंक यही होता है सोडियम। बोलो। यस सर। ठीक, सोडियम मेरा ये होता है। अब L प्लस M का वैल्यू मुझे जीरो लाना है। अगर मान लीजिए L का वैल्यू जीरो हुआ तो M का वैल्यू क्या होगा? जीरो। वन। अबे जीरो होगा ना, वन कहां से हुआ, माइनस L से प्लस L जाता है M। हाँ हाँ, लेकिन M प्लस M तो वन चाहिए था। हाँ मैं तो केस बना रहा हूँ ना सारे। तो L प्लस M का वैल्यू जीरो हो गया, मतलब ये वाला केस मेरा रिजेक्टेड, इसको तो मुझे लेना ही नहीं है। समझ गए? केस टू, L का वैल्यू वन हो जाए तो M का वैल्यू क्या होगा? प्लस वन, जीरो, माइनस वन। ठीक है, तो M के तीन केस बन गए। तो M का कौन सा केस कंसीडर करना है? जीरो वाला। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये वाला केस कंसीडर करना है M का, मतलब यहां से मुझे L प्लस M इक्वल टू वन मिलेगा। तो L का वैल्यू वन का मतलब कौन है ये? P। P। अब P यहां पर सोडियम में कौन है? टू पी सिक्स। यस सर, टू पी सिक्स। 2p6 का मतलब ऐसे तीन बॉक्सेस और उसमें 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो किसी के लिए m का वैल्यू माइनस वन होगा, किसी के लिए जीरो होगा, किसी के लिए प्लस वन होगा। हमें कौन चाहिए? जीरो। कितने इलेक्ट्रॉन आए? टू। तो ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आई कहानी या नहीं आई? देखो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस लॉजिक है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस इसमें। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बाकी आंसर आ जाएगा। समझ में आई कहानी? यस सर। अब कोई मुझे ये मत बोल देना सर L का तीसरा केस ले लेते, L इक्वल टू टू और M इक्वल टू माइनस वन ले लेते तो L प्लस M भी तो वन आ जाता, तो L इक्वल टू टू क्यों नहीं लिया मैंने? सर L सर M L से बड़ा नहीं हो सकता ना? नहीं नहीं नहीं, L इक्वल टू टू का मतलब होता है हम D में आ गए हैं, और सोडियम में तो कहीं D दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन में? नहीं सर। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, इसलिए मैंने केस थ्री कंसीडर नहीं किया। जितना हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उतनी तो बात करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, ये वाला करके बताओ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन हैव L प्लस M, L प्लस M इज इक्वल टू टू इन जिंक। जिंक में L प्लस M का वैल्यू टू के इक्वल के कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा? जिंक का 30 है ना? यस 30।
सर टू हाँ बोलो 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 सर सिक्स टू सिक्स किसने बोला है आंसर क्या नाम है तुम्हारा सर विष्णु अच्छा तुम्हारे आए ना 100 मार्क्स इस बार केमिस्ट्री में हाँ सर बढ़िया है बढ़िया है हाँ सही है आंसर 6 आएगा मतलब तुम फंडा समझ चुके हो अब मेरा कि मैं क्या करना चाहता हूँ चलिए करेक्ट है आंसर तो 6 ही आएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 क्या यही होगा बोलो बोलो भाई हाँ सर चलिए अब मैं केस वन बनाता हूँ केस केस के अकॉर्डिंग चलते हैं एल का वैल्यू जीरो तो एम का वैल्यू भी जीरो तो एल प्लस एम का वैल्यू जीरो मतलब मेरा केस रिजेक्टेड केस टू एल का वैल्यू वन तो एम का वैल्यू माइनस वन जीरो प्लस वन तो कौन सा केस सेलेक्ट होगा प्लस वन ये रिजेक्टेड ये भी रिजेक्टेड प्लस वन वाला सेलेक्टेड क्यों क्योंकि हमें तो एल प्लस एम का वैल्यू कितना चाहिए टू चलिए केस थ्री भी मैं बनाता हूँ एल इक्वल टू टू वाला केस थ्री क्यों बना पा रहा हूं मैं यहाँ एम की वैल्यू माइनस एन की वैल्यू सॉरी केस टू इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि केस टू एल का मतलब टू का मतलब होता है डी और डी वाले ऑर्बिटल मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं इसलिए मैं केस टू बना पा रहा हूँ तो एम का वैल्यू होगा माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू चलिए कौन सा केस सेलेक्ट होगा जीरो जीरो वाला क्योंकि मुझे तो L प्लस M का वैल्यू टू चाहिए ना तो L प्लस M का वैल्यू जीरो वाले केस से आएगा चलो अब देखो फंडा क्या है L इक्वल टू वन का मतलब कौन है P यस यस और P मेरे पास कौन कौन से हैं यहाँ पर 2p and 3p तो मुझे देखो डायरेक्टली अब बता दो मैं बार बार नहीं समझाऊंगा 2p में कितने इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू 1 होगा दो इलेक्ट्रॉन के लिए 3p में कितने इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू 1 होगा दो इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं समझे देखो ये 2p6 मतलब ऐसा होगा 3p6 मतलब ऐसा होगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एम का वैल्यू माइनस वन दो के लिए जीरो दो के लिए प्लस वन सेम यहां पर दो के लिए माइनस वन दो के लिए जीरो और दो के लिए प्लस वन यस सर समझे या नहीं समझे बोलो समझा सर चलिए तो एल इक्वल टू वन वाले केस से दो और दो चार इलेक्ट्रॉन आ गए अब L इक्वल टू टू का मतलब हम कौन है हम D है बोलो D में भी हम yes, कौन है 3d10 अब 3d10 में कितने बॉक्सेस होते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब किसी के लिए माइनस टू होगा किसी के लिए माइनस वन किसी के लिए जीरो किसी के लिए प्लस वन किसी के लिए प्लस टू तो जीरो वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन आए फिर एक और दो इलेक्ट्रॉन आए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जिनके लिए L प्लस M का वैल्यू 2 है 6 इलेक्ट्रॉन तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 6 समझे या नहीं समझे चलो एक क्वेश्चन और करो फिर देखते हैं कितनी समझ तुम में आई है लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का क्वेश्चन क्या है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन हैव एन प्लस
एन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में एन प्लस एम का वैल्यू टू आ रहा है, कैसे आएगा बताइए। सर फोर इलेक्ट्रॉन, नहीं रॉन्ग है, सिक्स। अभी सारे नंबर बोल दे एक एक करके, नहीं रॉन्ग है, सिक्स भी नहीं आएगा। सर थ्री है क्या? नहीं। सर टू है? नहीं नहीं सर आप ही कर दो सर, फोर ही आ रहा है लेकिन। नहीं मैं तो करूंगा ही ना, मुझे पहले आंसर तो लाके दिखाओ, मैं तो कर ही दूंगा, मुझे तो करना ही है। सर 2s2 और 2p6 फुलफिल कर रहा है जिसमें से दो दो चार इलेक्ट्रॉन। मुझे आंसर बताओ, बाकी समझाने वाला काम मैं लास्ट में कर ही दूंगा, फाइनल आंसर बताओ। सर 5। एक्सप्लेन करो, आंसर तो 5 है, ठीक है।
देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, मतलब थोड़ा इसमें दिमाग ज्यादा लगाना है, बस कुछ नहीं है। कैसे? फास्फोरस हम लोग लिखते हैं, कौन होता है फास्फोरस? 15 होता है, 1s2, 2s2, 3s2, सॉरी 2p6 तो होगा, 2p6, 3s2, 3p3, ऐसा ही होगा फास्फोरस। चलिए अब हम लोग एक एक केस बना के चलते हैं ना, मेरे बात ध्यान से सुनना। मैं बोलता हूं एन का वैल्यू 1 है, तो एल का वैल्यू कितना होगा? 0। सिर्फ 0, ये 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो एम का वैल्यू कितना हुआ? 0। तो यहां से एन प्लस एम का वैल्यू कितना आया? 1। मतलब मेरा केस रिजेक्टेड, n इक्वल टू 1 तो चलेगा ही नहीं। केस नंबर 2, n का वैल्यू 2 रखो, तो l का वैल्यू क्या क्या आएगा? 0 या 1? 0, 1। ठीक है, तो यहां से m का वैल्यू आएगा 0, यहां से m का वैल्यू आएगा -1, 0 और +1। तो यहां से n प्लस m का वैल्यू बना 2। यहां पर देखो वापस n प्लस m का वैल्यू 2 बनाना है, तो ये दोनों केस तो रिजेक्ट करने पड़ेंगे, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगेन n प्लस m का वैल्यू 2 बन गया, समझे? बोलो। यस सर। अब देखो n 2 है और l 0 है, तो कौन सा सबशेल है? 2s। n 2 है, l 1 है, मतलब 2p। तो 2s तो मेरा पूरा सेलेक्ट हुआ, तो 2s में n प्लस m की वैल्यू 2 आ रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए यहां से? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से सिर्फ 0 वाला सेलेक्ट हो रहा है, तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2-2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ गए। अब केस 3, n इक्वल टू 3 वाला केस भी बनाता हूं मैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो वैल्यू भी है। n इक्वल टू 3 वाला समझाना, क्या समझाऊं इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आए? क्योंकि 2s में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और वो 2 के 2 ही तो काउंट होंगे, उसके लिए हमेशा m का वैल्यू 0 है। बोलो। हाँ सर। अब n इक्वल टू 3 में l का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, l का वैल्यू 1 हो सकता है, या फिर l का वैल्यू 2 हो सकता है। तो m का वैल्यू यहां से तो 0 हो गया, यहां से m का वैल्यू हो गया -1, 0 और +1, और यहां से m का वैल्यू हो गया -2, -1, 0, +1 और +2। तो क्या रिजेक्ट क्या सेलेक्ट? तो ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि n प्लस m तो 3 आ गया ना यहां से। बोलो। यस सर। और इसमें ये 2 रिजेक्ट हो गए, -1 वाला सेलेक्ट हो गया। हाँ सर। हाँ सर। और इसमें ये सारे ही केस, ये पूरा का पूरा, ये पूरा ही रिजेक्टेड केस है, क्यों? क्योंकि d वाला 3d है, क्योंकि l इक्वल टू 2 का मतलब 3d, जो कि नॉट पॉसिबल वाला केस है, क्योंकि यहाँ पर 3d तो है ही नहीं ना। तो अब देखो -1 वाला केस सेलेक्ट हुआ है, अब यहाँ पर l इक्वल टू 1 मतलब 3p की बात हो रही है, और 3p क्या है? 3p 3 है। तो m इक्वल टू -1 मतलब किसी भी एक को उठा लो, मान लो इसको मैंने उठाया, तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन आए m इक्वल टू -1 के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे? 2 प्लस 2 प्लस 1, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया फंडा कैसे करना है? यस सर। यस सर। ये सर्विस तूने मैसेज किया है क्या? हाँ सर। क्या दिक्कत है?
सर वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक का इसमें? क्या दिक्कत क्या है? एग्जैक्ट डाउट बताओ, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी समझाएंगे अब। देखो जी, आप होमवर्क मैंने तुम्हें ही बता दिया पहले से, हमारा क्लास खत्म हो गया है, जो बच्चे लीव करना चाहते हैं लीव करके जा सकते हैं, ठीक है। होमवर्क मैंने बता दिया है, क्लास खत्म हो गया, जो लीव करना चाहते हैं लीव करके जा सकते हैं। अब अलाओ बताओ सर्वेश क्या डाउट है? सर वो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना हम लोग, मतलब 2a² वगैरह से, और वो कैसे लिखते हैं? अरे मैंने बताया तो था सर, नेट का इशू था ना सर, तुम्हें मीटिंग में नहीं था सर। अरे तो नेट का इशू कहाँ से कहाँ तक था? नेट का इशू कहाँ से कहाँ तक था? देख यहाँ तक मैंने ये बताया था, एनर्जी ऑर्डर बताया था, समझ आ गया? हाँ सर वो समझा। अब मैंने हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन बताया था, ये किया, ये देखा था तूने? नहीं सर। अब देख यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s में 1s2 लिखा है, देन 2s में 2s2 लिखा है, क्योंकि 1s में दो इलेक्ट्रॉन जा सकता है, s में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन, देन उसके बाद 2s को फिल करेंगे, 2s में मतलब s में दो इलेक्ट्रॉन जा सकता है, देन 2p में 6, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, देन 3s फिल करेंगे, देन 3p, देन 4s, देन 3d, देन 4p, ऐसे फिल करते जाएंगे हम लोग, है ना? और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, d में 10, s में 2, ऐसा फिल करना है। यहां तक क्लियर है? हां सर। अब इन तीन एग्जांपल को ही बताऊंगा बस मैं, इन तीन एग्जांपल को ध्यान से समझना, है ना? क्या बोला मैंने, जैसे हीलियम है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मुझे, तो फर्स्ट एग्जांपल में हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो दो एटॉमिक नंबर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बस 1s2, 1s2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन थे और वो 1s में सारे फिल हो गए, क्योंकि सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले में फिल करते हैं ना। हाँ सर। समझ गया? देन सेकंड एग्जांपल देख, नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो सबसे पहले 1s2, 1s में दो ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, देन 2s2, 2s में दो ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, देन 2p6, तो देख सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए, सारे फिल कर दिए। बोल। हाँ सर समझे। ऐसे ही फ्लोरीन में देख 9 है, थर्ड वाला एग्जांपल देख, फ्लोरीन में 9, तो 1s2, 2s2, फिर अब 4 इलेक्ट्रॉन तो 2s तक फिल कर दिए थे, अब बचे 5 इलेक्ट्रॉन, 9 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, तो 2p में सिर्फ हम लोग 5 ही फिल करेंगे। अब बाकी एग्जांपल खुद से देख लेना, ठीक है? जो बेसिक फंडा था मैंने तुम्हें समझा दिया है। हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो फिर, ठीक है, ओके।